और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हर हर महादेव। जी हां, आज सावन की दूसरी सोमवारी है और सोमवारी पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में कांवड़िए मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। दुल्हन की तरह शिवालयों को सजाया गया है। सड़क से लेकर मंदिर तक शिव भक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके सामने। आज सोमवारी है और सावन की सोमवारी, जिसके बाद आज जो तस्वीरें आपके सामने हम आप लेकर आए हैं, जगह जगह शिवालय सजे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है, मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है, दुल्हन की तरह शिवालयों को सजाया गया है। तो आज सावन की दूसरी सोमवारी है और उस मौके पर आप देख सकते हैं कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार पूजा अर्चना हो रही है और जहां जहां मंदिर है वहां वहां शिवालयों को सजाया गया है। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन का नजारा देखने लायक था। मेरठ रोड पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा के लिए लौट रहे हैं। इस बार शिव भक्तों में तिरंगे का भी क्रेज देखने को मिला। भगवा कपड़े पहने शिव भक्त देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ के भी कई रूप देखने को मिले। कुछ कांवड़िए स्केटिंग करते हुए हरिद्वार से जल लेकर लौटे। पुलिस ने भी डाक कांवड़ की वापसी को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। इकतीस मिठारी नोएडा में रहता हूँ, वहीं पे मंदिर से ये कांवड़ लेके चलता हूँ हरिद्वार तक और हरिद्वार से फिर वापस पैदल आता हूँ। ये चार साल से ये क्रम चल रहा है। इसके पहले और सब लोग पैदल पैदल आते थे। पहले झोली वाली कांवड़ लेकर आते थे, हो गई उनको 16-17 कांवड़ हो गई झोली की। फिर उसके बाद में ये विशाल चालू करी, फिर 4 साल इसको हो गई। बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा, उनकी कृपा है, जब भी आसानी हो जाती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लाते सारे एक साथ लेकर आते हैं तो भोले बाबा खुश हो जाते हैं, भोले खुश हो जाते हैं। जिसका मन नहीं करता आने के लिए, उसका मन आने के लिए हो जाता है। तो आज रास्तों पर ये गाजियाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं आप। भक्तों का सैलाब लगा हुआ है, कांवड़ियों का सैलाब लगा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से बदी उज्मा और लखनऊ से अभिषेक जुड़ गए हैं। बदी उज्मा, आपसे जानना चाहेंगे, भक्तों का सैलाब जरूर जो तस्वीर हमने देखी लगातार नजर आ रहा है, शिवालय सजे हुए हैं, लगातार पूजा अर्चना का सिलसिला चल रहा है, क्या नजारा देखने को आज मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, शिवालयों का जो नजारा है वो बिल्कुल शिवमयी हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, आप ये देखिए, अभी 9 से ज्यादा बज चुके हैं, 9:15 का वक्त है और ये जो भीड़ है ये रात 12 बजे से यहाँ पर लगी हुई है। लोग घंटों इंतजार करते रहे जब 4:41 पर जलाभिषेक का जब टाइम शुरू हुआ, उसके बाद से ये दुर्दर्शननाथ मंदिर में अंदर जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो जोश है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतनी थकान के बावजूद 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर करने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपने इष्ट देवता भोले शंकर को मनाने के लिए, उसका जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और लेकिन इनमें जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तिरंगा लहराते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं लोग। इस बार तिरंगे का क्रेज काफी ज्यादा दिखाई दिया, शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की भावना लोगों में काफी ज्यादा दिखाई दी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं दुर्दर्शननाथ मंदिर में जो नजारा है, जो शिव भक्त है, जो कांवड़िया है, यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आए हुए हैं, हरिद्वार से, हर की पौड़ी से जल लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब तक मैं बता दूं कि 3 लाख से ज्यादा कांवड़िया यहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं। इनकी जो संख्या है वो इस बार 5 लाख से ऊपर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हर बार करीब 5 लाख लोग यहाँ पर आकर के जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार जो संख्या है वो पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रशांत, ये जो आप देख सकते हैं कि लगातार बम बम बोल बम
की आवाज का जयकारा ये जो लोग लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। ये देखिए, ये जो मंदिर है दुर्गेश्वरनाथ मंदिर, ये देखिए उसका मेन गेट है, मेन एंट्री है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर। सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी इंतजाम है, जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर है, कमांडो फोर्सेस लगाई गई हैं यहाँ पर गेट पे, एंट्री गेट पे, ताकि लोग जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में कोई किसी किस्म का व्यवधान न पैदा हो। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक राजधानी से बने हुए, अभिषेक राजधानी में भी यही नजारा, वहां भी भोले भक्तों का जो जोश है क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे सुबह से अगर बात करें तो 2:30 बजे आरती हुई थी, 2:30 बजे के आरती होने के बाद से तब जो ताता है इस श्रद्धालुओं का वो लगातार लगा आ रहा है। इस समय लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की लंबी कतार लग चुकी है, और लोग आपको सबसे जाके लगेगा कि यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार होती जा रही है। अभी कुछ समय के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन अभी फिर से बरसात शुरुआत हो गई है, और जो श्रद्धालु है लगातार कतार में लगे हुए हैं और अपने जो आराध्य है उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए सुबह से मध्य रात्रि से यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो गया था, और अभी जो अभी का समय 9:30-9:15 हो रहा है, उस समय तक अभी तक जो संख्या आपको बताया तो हजारों की संख्या में अभी तक जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर चुके हैं, अपनी मनोकामना अपने आराध्य के सामने रख चुके हैं और जलाभिषेक किया जा चुका है। इस समय कतार आप देख सकते हैं कि लगातार बम भोले के नारे के साथ इस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे, कतारें जो है वो कर रही है, उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं। प्रशांत आपको बता दूं कि यहाँ पर कांवड़िए भी आते हैं, और इसके लिए अलग से उनके लिए अलग से द्वार रखा गया है, वहां पर वो लोग आते और वो अपना जलाभिषेक करते हैं। अभी पता चला कि बिठूर की तरफ से लगातार कांवड़िए आ रहे हैं और उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं लगातार आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो द्वार है, जिधर से निकासी द्वार है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वैसे ही वहां पे आगे भी जो चेकिंग पोस्ट लगाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद है, और इसी तरीके से महिला पुलिसकर्मी भी अंदर मौजूद है, जो महिला की लाइन है उनको संचालित करती है। तो सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम है, आपको बता दूं ये पूरा परिसर जो है वो सीसीटीवी से लैस है, और यहाँ पर सुरक्षा के खासा इंतजाम है, और क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो काफी तादाद में आती है, ऐसे कोई अप्रिय घटना ना हो जाए उसको देखते हुए यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो खासा किए गए हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, वाकई में जोश लगातार भक्तों का बना हुआ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वदी उज़्मा आपका भी, अभिषेक आपका भी। और चलिए अब आपको वाराणसी ले चलते हैं, वाराणसी में क्या तस्वीर देखने को मिली, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है, दूसरे सोमवार के दिन पूरे काशी जो है वो केसरिया रंग में रंगी नजर आ रही है। दूर दराज से यहाँ बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोग आतुर हैं, देर रात से ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि कितना वो बाबा के प्रति का आस्था रखते हैं, बाबा के प्रति किस तरह का आस्था है और कितनी दूर से आए। आप आस्था का वो देख ले सकते हैं, रात 1 बजे से लाइन में लगा है, इससे बड़ा आस्था का क्या वो हो सकता है। दर्शन चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या अगले दिन, जब भी मिले करके जाएंगे, जब भी मिले दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। तो ऐसे में लोगों का कहना है देर रात से ही लाइन में लगे हुए हैं, बाबा का एक झलक पाना चाहते हैं, बाबा को जल अर्पित करके सावन के दूसरे सोमवार सारी मुरादें पूरी करना चाहते हैं। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव, समाचार प्लस के लिए। चले वाराणसी की बात अब आपको ले चलते हैं हरिद्वार, हरिद्वार में किस तरह का नजारा देखने को मिला, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। मौका सावन की शिवरात्रि का है, ऐसे में भोलेनाथ की ससुराल कही जाने वाली धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में सुबह से ही जो नजारा है वो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर में जुट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में बकायदा आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, काफ़ी लंबी लाइन लग गई, हालांकि मौसम जरूर अनुकूल नहीं है, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है हरिद्वार में रुक रुक के। ऐसे में देखा जा सकता है बावजूद इसके जो उत्साह है श्रद्धालुओं का वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए? हरिद्वार से ही हैं। हरिद्वार से ही हैं, क्या महत्व है आज के दिन? सर आज का मेन महत्व है शिवरात्रि, आज भोले जी हमारे जो शिव भगवान हैं दक्ष में आए थे और ये पूरे सावन यहाँ रहते हैं, और इनका
ससुराल कहलाई जाती है, तो यहाँ सबसे ज्यादा दक्ष का महत्व है। सुबह से जो नजारा है यहाँ पर दक्ष मंदिर का देखते बनना है, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए, कुछ महिलाएं भी मौजूद है, जी क्या कहेंगे आज? जो यहाँ शिव भगवान के दर्शन होते हैं, साथ साथ यहाँ पार्वती मैया रहती है, यहाँ आकर मन बहुत खुश होता है, और हम तो हमेशा यहाँ आते हैं, हर सोमवार आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रात्रि के मौके पर जो उत्साह है भोले की ससुराल कनखल में, वो यहाँ पर देखते ही बनना है। आशीष मिश्रा, समाचार प्लस, हरिद्वार।